हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव देश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाने जा रहा हूं, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी जरूर देखेगा। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें इस तरह के पुराने ईयरफोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह ईयरफोन मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी फ्रेंड्स, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूं। तो ये आपको मोबाइल सर्विस की दुकान पर जहां मोबाइल रिपेयरिंग होते हैं वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स, ख़राब या पुराना भी मिल जाएगा। तो आप इसका लेकर इस तरह के मॉड्यूल बना सकते हैं फ्रेंड, ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसका यूज़ आप किसी भी होम थिएटर को ब्लूटूथ बनाने के लिए यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें छोटी सी बैटरी लगी हुई है फ्रेंड्स, जो लाइपो बैटरी होती है। तो ये ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए मैं दूसरा कुछ बना रहा हूँ इसका। तो इस तरह का उसमें से सर्किट बोर्ड बाहर निकलता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो इसे हम यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह के पुराने ख़राब मोबाइल का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें जो जैक लगता है, ईयरफोन का जैक लगता है फ्रेंड्स, उस सॉकेट को हमें बाहर निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का वो सॉकेट होता है, तो हमें इसे तोड़कर या सोल्डिंग कर ही निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आप देख सकते हो इसमें जैक जो है लग जाता है आसानी से, तो हमें इसे तोड़कर निकाल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने उस सर्किट बोर्ड से इस तरह के वो सॉकेट को निकाल लिया फ्रेंड्स किसी दूसरे मोबाइल का। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा होता है वो सॉकेट, तो हमें इसे बाहर निकाल लेना है फ्रेंड्स। तोड़कर निकाल लेंगे तो ये हमारे किसी भी जैक पर आराम से घुस जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से लग जाता है। तो हमें इसका यूज़ कर ही हमें चार्जिंग मॉड्यूल को यानी ब्लूटूथ मॉड्यूल को बनाना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे जो ब्लूटूथ का सर्किट बोर्ड निकला था फ्रेंड्स, तो हमें इसमें सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट जो होता है वहाँ पर केवल एल प्लस या एल माइनस दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा बैटरी सोल्डिंग होगा। तो हमें बी माइनस पर हमें यहाँ पर ब्लैक वायर सोल्डिंग कर रहा हूँ फ्रेंड, जो बैटरी पर लगेगा, और बी प्लस पर मैं यहाँ पर रेड वायर सोल्डिंग कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन होगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर चुका हूँ। तो इसके बाद हमें अपने सॉकेट को लेना है फ्रेंड्स जैक का। तो ऊपर में जो तीन लैग दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तीन लैग ऊपर में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हमें से दो को, इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट कर देना फ्रेंड्स। तो ये दोनों जो लेफ्ट राइट ईयरफोन होता है उसमें का होता है, और ऊपर का जो लेग दिख रहा है ये वो ग्राउंड होता है। तो फ्रेंड्स हमें लेफ्ट राइट जो होता है पॉजिटिव, उसको एक ही कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो लेफ्ट राइट होगा ये वे एक ही कनेक्शन पर चलेगा, यानी एक साथ दोनों चलेगा। तो ग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर सफ़ेद वायर का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस टाइप से। तो ये हमारा सोल्डिंग, आपको भी इस तरह से सोल्डिंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसे लेने के बाद हमें अपने ब्लूटूथ के जो सर्किट बोर्ड निकाले थे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमें सोल्डिंग कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एल माइनस पर मैं ग्राउंड को सोल्डिंग कर रहा हूँ इस टाइप से, और पॉजिटिव के लिए मैं एल प्लस पर हमारे लेफ्ट राइट जो कनेक्शन किए थे फ्रेंड्स एक ही बनाकर उसके एल प्लस पर सोल्डिंग कर देंगे इस टाइप से। तो हमारा कनेक्शन तो पूरा हो गया फ्रेंड्स। और इसे पावर देने के लिए फ्रेंड्स मैं इस तरह के मोबाइल का बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस टाइप से। तो ये 3.7 वोल्ट का होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आसानी से 5-6 घंटा आराम से चल जाएगा। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन कर लेना है फ्रेंड्स। तो कनेक्शन हो जाने के बाद हमारा फ्रेंड्स इस तरह से पूरा सर्किट बोर्ड दिखाई देगा। तो हमें नीचे में इसको ग्लूगन की मदद से चिपका लेना है, ताकि यह कहीं भी हिल डुल कर टूटे ना फ्रेंड्स। तो हमें इस टाइप से सभी को चिपका लेना है। तो इसे चार्जिंग करने के लिए हमें फ्रेंड्स किसी प्रकार की चार्जिंग मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, और ये वॉल्यूम बटन है फ्रेंड्स ऑन ऑफ करने के लिए, ऊपर में भी बटन दिया हुआ है फ्रेंड्स स्विचेस। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इस टाइप से अपने सर्किट बोर्ड को चिपका लिया है फ्रेंड्स, और जैक के कनेक्टर को भी चिपका लिया है ऊपर में, और वायर वगैरह को भी चिपका लिया है सभी को। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं नॉर्मल जो चार्जर होता है मोबाइल फ़ोन का उसका यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसे हमारे जो सॉकेट दिया है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हमारा चार्जिंग होने लगा। तो इसे एक घंटा तक ज़्यादा से ज़्यादा सोल्डिंग कीजिए यानी चार्जिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा बैटरी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्टिंग करने के लिए फ्रेंड्स 6283 जो IC होती है ऑडियो बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ इस टाइप से कनेक्टर से लगा दिया फ्रेंड्स DC सॉकेट पर। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए स्पीकर लगाए हूँ फ्रेंड्स, और इनपुट के लिए मैं ऑक्सो केबल को यहाँ पर सोल्डिंग कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो आउटपुट के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दो बड़े बड़े स्पीकर को कनेक्ट कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो जिससे हमें पता चलेगा कि यह चल रहा है कि नहीं। तो
ऑक्सो केबल के लेना है फ्रेंड्स। और हमें ऑक्सो केबल को लेने के बाद फ्रेंड्स हमारे जो चार्जिंग मॉड्यूल बनाए थे फ्रेंड ब्लूटूथ, वहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर देना है फ्रेंड सॉकेट पर। उसके बाद हमारे स्विच को ऑन करना है। तो प्रेस कर कर रखने पर फ्रेंड्स हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो ऑन हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें मोबाइल को लेना है, उसका ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है फ्रेंड्स इस टाइप से। उसके बाद सर्च करने पर हमारा ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर अभी कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, इस टाइप से देख सकते हो इजीली कनेक्ट हो जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं आती है फ्रेंड्स। और इसका रेंज भी बढ़ गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यह खुला होने पर इसका 10 मीटर से ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स इसका रेंज। तो हमें दूर बैठ कर भी हम इसलिए से ऑपरेट करने पाएंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छी तरह से आवाज़ तो चालू हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो गाना भी बजने लगा है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप भी पुराने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल बनाने के लिए फ्रेंड्स पुराने जो ईयरफोन होता है फ्रेंड्स उसका यूज़ कर कर आप किस टाइप से किसी भी होम थिएटर को ब्लूटूथ बना सकते हैं फ्रेंड्स, और जो कुछ को भी ब्लूटूथ बना पाएंगे। तो इसे ज़रूर से अपने घर पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसी नॉनविजुअल वीडियो आसानी से मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हो बेस तो अच्छी तरह से निकाल रहा है फ्रेंड्स, हमारा स्पीकर ज़्यादा वॉबल कर रहा है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हमारा सभी चीज़ कनेक्शन मैं किया था फ्रेंड्स इस टाइप से, और बाहर से भी और कहीं पर कनेक्शन मैंने किए हैं, ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि फ्रेंड्स हमारा चार्जिंग जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को बनाए थे फ्रेंड्स उसी से ही यह सभी चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।